हेलो एवरीवन वेलकम टू पिताबरा एजुकेटर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक एरेज इन जावा सो व्हाट इज एन एरे एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू सो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे सो वी वर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ़ाइव स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है सो आई कैन स्टोर लाइक दिस मार्क्स वन इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव देन ऐसे ही यहाँ पे मैं डेटा टाइप भी डिक्लेयर करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल डबल मार्क्स वन ऐसे फिर डबल जो है डेटा टाइप है मार्क्स टू और सेकेंड इक्वल्स टू थर्टी फाइव पॉइंट ज़ीरो और सिक्स फाइव ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट में फिफ्टी सिक्स तो इस तरीके से मैं फाइव टाइम्स फाइव वेरिएबल्स नॉर्मली अगर मुझे एरे का कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं क्या करूँगी फ़ाइव डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगी जिसमें मैं फ़ाइव मार्क्स की जो भी वैल्यूज़ हैं फाइव मार्क्स हैं वो स्टोर कर दूँगी तो अगर मुझे सबको ऐड करना है सो आई विल डू मैं इन सब के बीच में प्लस लगाऊंगी लाइक सम इक्वल्स टू देन मार्क्स वन प्लस मार्क्स टू प्लस मार्क्स थ्री और अगर मुझे इन सबको प्रिंट करना है तो मुझे वन बाय वन इनका वेरिएबल नेम लिखना होगा फॉर प्रिंटिंग दैम बट अगर मुझे एरे का कंसेप्ट पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ इन सारे जो मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लेट से फाइव स्टूडेंट्स हैं या टेन हैं तो उन सब के जो मार्क्स हैं एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं हम एरे का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं इट मीन्स सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स आई कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आई कैन क्रिएट एरे ऑफ कैरेक्टर्स तो सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के होते हैं इन एन एरे तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर फाइव एलिमेंट्स है इस एरे में अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो इस टाइप की एक मेमोरी ब्लॉक आपका जो होता है एलोकेट हो जाता है जिसमें आपके एलिमेंट्स स्टोर होते हैं और उनके इंडेक्स होते हैं उनकी पोजिशन होती है जैसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ से फर्स्ट ज़ीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है सो so, इसकी इंडेक्स क्या है थर्टी नाइन जो वैल्यू है एरे में उसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो है थर्टी की वन है थर्टी एट की टू है थर्टी सिक्स की थ्री है इंडेक्स और थर्टी सेवन की फोर है इट मीन जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स ज़ीरो होगा देन सेकेंड एलिमेंट का वन uh, होगा तो हम कह सकते हैं कि एनएथ एलिमेंट का जो जो भी एन एथ एलिमेंट होगा इन एरे, उसका अगर हम इंडेक्स की बात करें तो उसका इंडेक्स क्या होगा एन माइनस वन तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इंडेक्स हमेशा क्या होता है एन माइनस वन अगर मुझसे कोई कहे कि फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करो जो भी एरे में फोर्थ एलिमेंट है दिस इज़ द फोर्थ एलिमेंट इसे एक्सेस करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि फोर्थ एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो थ्री है सो यूजिंग इंडेक्स वी एक्सेस दोज एलिमेंट्स या हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी हम हाँ उस इंडेक्स को यूज़ करते हैं सो वी विल डिस्कस कि कैसे करते हैं कैसे एक्सेस करते हैं कैसे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई वैल्यू इस पर हमें स्टोर करनी है तो कैसे करते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन इज़ टाइप वेरिएबल नेम एंड दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स तो अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम हाँ क्या लिखते हैं टाइप दैन वेरेबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर हम लिखते हैं डेटा टाइप देन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर वेरेबल नेम सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक मार्क्स एरे एक एरे बनाना जिसमें मुझे फाइव स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगी उस एरे को जैसे हम वेरेबल भी ऐसी करते थे टाइप देन वेरेबल नेम और हमें इनिशलाइज करना होता था इक्व टू एंड देन वेल्यू एंड देन सेमिकोन सो so, इसी तरीके से अगर हमें आ, दिस एरे डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं डेटा टाइप डबल एक डेटा टाइप है यहाँ पे डेटा टाइप है जो बताता है कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस डेटा टाइप के होंगे यानी कि डबल डेटा टाइप के होंगे देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन दिस इज द नेम ऑफ द एरे वेरिएबल नेम दैट इज़ मार्क्स वैन एरे इज़ डिक्लेयर्ड तो ये एरे आपका डिक्लेयर हो गया ओनली अ रेफरेंस ऑफ एरे इज़ क्रिएटेड तो यहाँ पे नेम आपका एरे किस नेम से या किस रेफरेंस क्या है एरे का किस तरीके से हम उसे रेफ़र कर सकते हैं वो क्रिएट हुआ है अभी कि इसका जो एरे का नेम है वो मार्क्स है टू क्रिएट और गिव मेमरी टू द एरे तो अभी तक का मेमरी में कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ है कोई मेमरी एलोकेट नहीं हुई है इस एरे को सो यू कैन क्रिएट एन एरे लाइक दिस तो अगर हमें मेमरी उसके लिए एलोकेट करनी है तो हम कैसे लिखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखते हैं वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू देन टाइप देन साइज टू स्पेसिफाई दैट द एरे कैन होल्ड अप टू फाइव मार्क्स तो हमें स्पेसिफाई करना है कि एरे जो फाइव मार्क्स स्टोर कर सके वी स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे यूजिंग द कीवर्ड न्यू शोन बिलो तो हम क्या करते हैं वेरिएबल नेम लिखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल जो है मार्क्स है, हम मार्क्स नेम से एक एरे क्रिएट कर रहे हैं इक्वल्स टू न्यू इज़ अ कीवर्ड न्यू कीवर्ड है देन डबल जो भी आपका डेटा टाइप है जिस टाइप की वैल्यूज़ आप इसमें स्टोर करने वाले हैं दैन साइज ऑफ़ द एरे कितने आप इसमें एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि हम फाइव मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो इट मीन्स वी हैव टू क्रिएट फाइव स्पेसिज इन द मेमरी फॉर दीज फाइव एलिमेंट्स द टू स्टेटमेंट्स डिक्लेरिंग एन एरे एंड स्पेसिफाइंग इट साइज कैन ऑल्सो भी डन इन वन स्टेटमेंट तो अगर हमें अलग अलग स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना है तो हम क्या कर रहे थे जो भी डेटा टाइप है देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन वेरिएबल नहीं एक में हमने डिक्लेयर किया था ऐसे ही फिर नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं हम उसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं बाय राइटिंग मार्क्स जो भी वेरिएबल नेम है इक्व टू न्यू देन डेटा टाइप देन साइज फाइव ठीक है अगर टेन मार्क्स स्टोर करने होते तो हम यहाँ टेन लिखते हैं. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम एक साथ कंबाइन करके एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कैसे वेरिएबल दिस डेटा टाइप तो इसका आप सिंटेक्स लर्न करिएगा डेटा टाइप देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन वेरिएबल नेम देन इक्वल्स टू न्यू टाइप डेटा टाइप एंड देन साइज साइज ऑफ द एरे तो इस सेंटेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं हम एक साथ कम्बाइन कर सकते हैं डिक्लेयरिंग एरे एंड स्पेसिफाइंग द साइज़ ऑफ द एरे या फिर हमें उसे मेमरी लोकेट करवानी है एलोकेट करवानी है तो हम क्या कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं जैसे कि हमने डबल देन स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स इक्व टू न्यू डबल फाइव तो देखिए सेम ही है बस यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं डेटा टाइप भी मेंशन कर दे रहे हैं ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला उसी में बस आप डेटा टाइप मेंशन कर दीजिए तो डिक्लेरेशन एंड एलोकेटिंग मेमोरी विल बी डन इन वन स्टेटमेंट सो टिल नाउ वी हैव क्रिएटेड एरे हमने उसे मेमोरी भी एलोकेट करवा दी नाउ इफ यू वांट टू पुट सम वैल्यूज़ इन इट अब हमें इनिशियलाइज करना है एरे को कुछ वैल्यूज से सो so हम कैसे करते हैं हम डबल लिखते हैं देन इट मींस डेटा टाइप लिखते हैं जो भी डेटा टाइप है अगर स्ट्रिंग होगा तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे देन स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे इक्वल्स टू देन द वैल्यूज़ अब आपको ये देख लेना आप उतनी ही वैल्यूज़ यहां पे रखेंगे जितना आपका साइज़ होगा एरे का फाइव है तो यहां पे फाइव एलिमेंट्स हमने रख दिए

तो हम कैसे एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं हमें पता है इसका इंडेक्स जो है ज़ीरो है तो हम कैसे इसको लिखते हैं मार्क्स जो भी वेरिएबल नेम है देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका अगर हम इंडेक्स लिख देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा ये एक्सेस हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स फोर तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा मार्क्स फोर से क्या होगा जो फोर्थ इंडेक्स पे आपका एलिमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर ये लिखा हुआ है तो मार्क्स एरे में जो भी फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो आपका प्रिंट होगा जीरो ये जीरो होता है इसका इंडेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो ये जो आपका एलिमेंट होगा दैट विल बी प्रिंटेड तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं लाइक मार्क्स जीरो मार्क्स वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स फोर इनसाइड द जो नंबर होंगे जो भी इंडेक्स होंगे वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे अब हमें अगर सबको प्रिंट करना है फ्रॉम ज़ीरो इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फॉर लूप यूज़ करेंगे ओब्वियसली हमें क्या करना है बस यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते रहनी है ज़ीरो देन वन देन टू देन थ्री तो हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू हम वेरिएबल दिस फॉर लूप को कंट्रोल करेंगे कंट्रोल ले वेरिएबल ले लेते हैं आई इंटीजर टीजो आई इक्व टू जीरो देन सेमी कोलन फॉल लूप हम अपने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं अगर आपने नहीं फॉर लूप का कॉन्सेप्ट देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिएगा देन वॉच दिस वीडियो कि कैसे हम एरे को प्रिंट करते हैं तो फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं इवन हमें सारे एलिमेंट्स पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल मुझे टू ऐड करना है सारे एलिमेंट्स में एरे के तब भी मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी तो अगर हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है एरे के सारे एलिमेंट्स में तो वी यूज़ फॉर लू सो हेयर फर्स्ट वी विल डिफाइन वेरिएबल क्योंकि यहाँ ज़ीरो से आपका इंडेक्स स्टार्ट होता तो हमने आई इक्वल टू जीरो कर लिया आई इज़ लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ अब लेंथ क्या है हम यहाँ पर नॉर्मली आई हमें कहाँ तक लेके जाना फोर तक तो हम सिम्पली कंडीशन ये भी लिख सकते थे आई लेस देन इक्वल टू फोर या फिर हम ये भी लिख सकते थे आई इज़ लेस देन फाइव तब भी आई आपका जीरो से ले कर फोर तक जाता बट हमने यहाँ पर मार्क्स डॉट लेंथ लिखा है मार्क्स डॉट लेंथ क्या है लेंथ एक प्रॉपर्टी है एरे की जिसके थ्रू क्या होता है जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं यानी कि यहाँ पे जैसे मार्क्स एरे के फाइव एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्क्स डॉट लेंथ का जो रिजल्ट होगा वो फाइव होगा तो यहाँ पे एक्चुअली आई लेस देन फाइव ये कंडीशन हो जाएगी क्योंकि मार्क्स डॉट लेंथ क्या फाइव है सो so, लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ़ द एरे विच डिस्प्लेस द और विच रिटर्न्स द नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है जैसे आई पहले जीरो है देन वन होगा फिर टू होगा राइट तो ये इंक्रीमेंट होती है इससे वैल्यू और ये इसकी फॉर लूप का स्टेटमेंट है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स आई तो हमें एक एक करके ये एलिमेंट एक्सेस करने है तो हमें ओब्वियसली एरे का नेम लिखना होगा एंड देन आई तो यहाँ एक एक करके इंडेक्स आता रहेगा सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस ट्राई करते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा आई इक्स टू जीरो जीरो इज लेस देन ओबियसली फाइव है इसकी लेंथ फाइव तो यहाँ पे स्टेटमेंट बॉडी के अंदर आ जाएगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमें प्रिंट करना है क्या प्रिंट करना है मार्क्स आई यहाँ पे आई क्या है आपका ज़ीरो तो मार्क्स ज़ीरो जो है वो आपका जो भी इसके अंदर एलिमेंट uh, है एरे का ज़ीरो इंडेक्स पे वो प्रिंट हो जाएगा दैट इज़ थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स अब देखिए डबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो ऐसे ही फिर यहाँ पे i की वैल्यू अब ये यहाँ पे जाता है अपडेट वैल्यू में तो अपडेट होगी वैल्यू अभी जीरो थी अब क्या हो जाएगा वन तो अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वन लेस देन फाइव है तो अब क्या हो जाएगा मार्क्स वन आपका प्रिंट होगा दैट इज़ मार्क्स वन में आपका क्या है वन हंड्रेड फोर्टी फोर पॉइंट जीरो तो ये हम यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं कि ऐसे करके ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट होते जाएंगे मार्क्स टू टू पे क्या आ जाएगा आपका वन जीरो थ्री पॉइंट ज़ीरो देन ऐसे ही 256.0 फिर अपडेट होगा फिर से फोर जब अपडेट फाइव होगा तो फाइव लेस देन फाइव है ही नहीं तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा तो एक एक करके ये सारे जो भी हैं आपके एलिमेंट्स इसमें प्रिंट हो जाएंगे सो वी कैन ट्राई इट प्रैक्टिकली ऑल्सो नेट बीस में देख लेते हैं ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है डबल मार्क्स इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हमने सीधे क्या किया है न्यू कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे तो हम साइज़ स्पेसिफ़ाई कर रहे थे राइट right? बट यहाँ पे हमने एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्टली डबल मार्क्स ये डिक्लेरेशन हुआ और इसमें सीधे आपने इनिशलाइज़ कर दिया उसे ठीक है एलिमेंट्स के साथ तो फिर उसके बाद अगर हम डायरेक्टली इनिशलाइज़ कर दे रहे हैं तो हमें साइज बताने की भी ज़रूरत नहीं है यहीं से ही पता चल जाएगा इंटरप्रेटर को कि इसका साइज कितना है वन टू थ्री फोर फाइव तो आप डायरेक्टली भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो गया है उसके बाद फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं और इसको प्रिंट करवाएंगे सो so, लेट्स चेक तो देखिए आउटपुट ये है और अगर मुझे एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है जैसे मुझे लास्ट वाला एलिमेंट दोबारा से एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगी मार्क्स लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज़ फोर एंड देन एट द एंड वी विल यूज़ सेमीपोल तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला एलिमेंट दो बार आ गया क्योंकि ये सेकेंड टाइम जो आया है वो इस स्टेटमेंट की वजह से आया है अब मुझे इससे पहले इसकी वैल्यू चेंज करनी है फोर्थ एलिमेंट की तो मैं क्या करूँगी मार्क्स फोर इक्वल्स टू मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पर मुझे थ्री एट सेवन पॉइंट फाइव नहीं चाहिए मुझे चाहिए फोर हंड्रेड पॉइंट फाइव सेम गोलन अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ओब्वियसली यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो थ्री हंड्रेड एटी सेवन पॉइंट फाइव है तो जब यहाँ पे लास्ट आपका मार्क्स फोर आएगा तब तो ये ही प्रिंट होगा बट इसके बाद जब ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा तो आपका जो मार्क्स फोर है यानी कि जो मार्क्स फोर है इस पर क्या प्रिंट हो गया आपका क्या सेव हो गया सॉरी फोर हंड्रेड पॉइंट फाइव तब तो आप इस इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा देखिए फोर हंड्रेड पॉइंट फाइव और एक बार फिर से इस पूरे को भी प्रिंट करके देख लेते हैं इस सेम स्टेटमेंट को आई एम कॉपिंग अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ये थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स इसकी वजह से आया फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ देन वन हंड्रेड फोर्टी फोर देन वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड थ्री देन टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थ्री हंड्रेड एटी सेवन पॉइंट फाइव फिर ये जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है आफ्टर फॉर लूप मार्क्स फोर इक्वल्स टू फोर हंड्रेड पॉइंट फाइव इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी फोर्थ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो चेंज होके अपडेट होके क्या हो गया फोर हंड्रेड पॉइंट फाइव अब जो ये फिफ्थ ये ट्वेंटी वन लाइन पे जो स्टेटमेंट है जिससे प्रिंट हो रहा है मार्क्स फोर तो ओबियसली आप मार्क्स फोर पे क्या स्टोर है 400.5 यानी कि एरे ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 400.5 आ गया इसलिए यह प्रिंट हुआ अब हमने दोबारा से एक बार एरे प्रिंट करा कि हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस कंप्लीट एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या लास्ट वैल्यू चेंज हो रही है सो यू कैन सी अदर वैल्यूज़ आर सेम बट लास्ट वाली वैल्यू लास्ट टाइम जो प्रिंट हुई थी वो थ्री हंड्रेड थी बट आप फोर हो गई तो आप एरे को इस तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं सो वी हैव डन दिस अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है एक लंबा सा कोड है यहाँ पे वी विल सी दैट ये कोड जो है ये एरे को समझा रहा है बट इससे थोड़ा पहले भी पूरा कंप्लीट यहाँ पे कोड दिया हुआ है इन दिस विंडो तो हम इससे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है डबल मार्क्स इक्वल्स टू ये सारे मार्क्स आपके डिफाइन किए गए हैं तो अब अब तो आपको पता है कि ये क्या होता है ये टाइप होता है देन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो ये एरे क्रिएट हो रहा है टाइप के बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स और वेरिएबल नेम हैं तो इट मीन्स इस नेम का एक एरे क्रिएट हो गया मार्क्स नेम का एरे क्रिएट हो गया है जिसमें आपके ये एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं 346 हंड्रेड .0 सिक्स क्योंकि डबल टाइप का है 103.0 ऐसे ही फाइव के फाइव आपके स्टोर हो गए टू एंड देन 387.5 डबल टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 400 तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है फोर हंड्रेड है अब यहाँ से आपका आउटपुट आएगा देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्लास रिपोर्ट और इससे पहले आपका एक ये जो टी होता है ना स्लैश टी ये क्या करता है ये एक टैब स्पेस आपका प्रिंट करता है टैब स्पेस यानी कि इतना जो एक टैब जब हम एक टैब की प्रेस करते हैं तो जितना स्पेस आपका लीव होता है उतना ही स्पेस यहाँ पे लीव हो जाएगा क्लास रिपोर्ट से पहले देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एल है तो नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा ये डैश डैश प्रिंट होगा तो हम यहाँ पे आउटपुट भी देख लेते हैं तो देखिए जो क्लास रिपोर्ट इतने डिस्टेंस के बाद आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टी स्लैश टी उसके बाद प्रिंट एल हुआ था तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारा जो कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन में चला गया नेक्स्ट लाइन में आपका क्या प्रिंट हुआ ये डैश वाली जो इतनी लाइन आपकी लिखी हुई है ये प्रिंट हो गई उसके बाद फिर से एल है तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला गया क्या आउटपुट है अब रोल नंबर देन स्पेस टैब स्पेस तो ये जो स्पेस आया है कि इसकी वजह से आया है? ये स्लैश टी देन मार्क्स देन स्लैश टी परसेंटेज देन स्लैश टी रिजल्ट तो इस तरीके से आपका आउटपुट आया है इतने का उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर किया और फिर से एक डैश वाली लाइन जो है आपकी प्रिंट हो गई अब यहाँ पे आ गया आपका फॉर लूप तो फॉर लूप के अंदर ही पूरा कोड है आप देखिए आपका ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आपका एंड कहाँ पे हो रहा है यहाँ पर यहाँ पे आपका फॉर लूप एंड हो रहा है तो फॉर लूप मीन्स ये ये जो इंस्ट्रक्शनस हैं ये क्या करेंगे बार बार एग्जीक्यूट होंगे जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये वाले जितने भी ये हैं आपके एलेवन लाइन से लेके पूरा ट्वेंटी लाइन तक का वो पूरे आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे सो लेट्स बिगिन आई कस टू जीरो मार्क्स डॉट लेंथ यहाँ पर मार्क्स डॉट लेंथ फाइव ही है तो ओबियसली जो आई है जीरो वो लेस देन फाइव है तो आएंगी फॉर लूप uh, की जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ परसेंटेज एक नया वेरिएबल क्रिएट uh, हो गया दैट इज परसेंटेज इक्वल्स टू मार्क्स आई तो मार्क्स आई कितने हैं देखते हैं यहाँ पे मार्क्स आई मीन जीरो तो मार्क्स जीरो जीरो इंडेक्स पे आपका क्या है थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट ज़ीरो अपॉन टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स वेरिएबल में आपकी क्या वैल्यू है फोर हंड्रेड देन मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये ज़ीरो से ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा फोर से इसको कट करेंगे फोर एट हज़ार थर्टी टू देन टू फोर सिक्स हज़ार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स टू अगेन देन पॉइंट फाइव तो अब हमारी परसेंटेज कितनी आ गई है तो यहाँ पे अभी एटी सिक्स पॉइंट फाइव तो यहाँ परसेंटेज वेरिएबल में एटी सिक्स पॉइंट फाइव आ गया है बट यहाँ पे अभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है सो so, इसके बाद हमें ये पता चल गया कि परसेंटेज की वैल्यू जो है एटी सिक्स पॉइंट फाइव है आई अभी आपका आई अभी आपका जीरो है परसेंटेज जो है वो एटी सिक्स पॉइंट फाइव है टोटल मार्क्स जो है आपके फोर हंड्रेड है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अब यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो गया स्ट्रिंग टाइप का दैट इज रिजल्ट इफ़ परसेंटेज अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन आ गई परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टी तो परसेंटेज आपकी एटी सिक्स पॉइंट फाइव है तो ओबियसली ये आपकी है तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया इफ़ ट्रू हो गई है तो हम इसकी इस बॉडी में आ जाएंगे इसके ब्लॉक ऑफ कोड में आएंगे दैट इज रिजल्ट इक्वल्स टू पास्ट तो रिजल्ट वेरिएबल में आपकी क्या वैल्यू आ गई पास्ट अब इफ़ एग्जीक्यूट हो गया इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली एस तो आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं इस केस में अब आ गया आपका आउटपुट का स्टेटमेंट तो क्या आउटपुट है आपका आई प्लस वन आई प्लस वन मीन्स ज़ीरो आई आपका जीरो है तो ज़ीरो प्लस वन मीन्स वन वन आपका प्रिंट हो गया देन टैब स्पेस तो इसकी वजह से यहाँ पे टैब स्पेस आया सेम लाइन देखिए एल एन होता तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता पर यहाँ पे प्रिंट है तो सेम लाइन में आपका आउटपुट रहेगा अभी मार्क्स आई मार्क्स आई मीन्स मार्क्स जीरो कितने आपके मार्क्स ज़ीरो थ्री फिर फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है तो यहाँ पे एल नहीं है तो आपका आउटपुट सेम लाइन में रहेगा अभी भी परसेंटेज परसेंटेज मीन्स क्या है आपकी परसेंटेज 86.5 वो आ जाएगा देन दो यहाँ पे टैब स्पेस इन्होंने लीव किए हैं तभी इतना स्पेस आया है उसके बाद आप क्या आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिजल्ट तो रिजल्ट हमारा क्या था यहाँ पे पास्ट तो आपका पास्ट प्रिंट हो गया अब यहाँ पे एल है एल है इसके वजह से क्या होगा आप जो भी नेक्स्ट आउटपुट आएगा आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा अभी ये फॉर लूप की बॉडी तो यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट हो गई तो आप क्या करते हैं जैसे एक बार बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे आते हैं हम अपडेट वैल्यू में तो अभी आपकी वैल्यू थी आई की ज़ीरो अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई वन तो सेम प्रोसीजर अब वन के लिए होगा वन इज लेस देन फाइव यस डबल परसेंटेज फिर से परसेंटेज कैलकुलेट होगी तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हुई थी अब सेकेंड स्टूडेंट के लिए होगी आई हो गया हमारा वन परसेंटेज हो जाएगी मार्क्स वन वन हंड्रेड फोर्टी फोर अपॉन टोटल मार्क्स फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड तो ओबियसली जीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा फोर से फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व टू फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर पूरा कट हो गया पॉइंट जीरो तो आपकी परसेंटेज भी डबल टाइप की तो थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो आपकी परसेंटेज आ गई तो रिज़ल्ट रिजल्ट आपका वेरिएबल है इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर्टीन नहीं है ग्रेटर है ही नहीं तो एल्स में आ जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आता है इस टाइम आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा रिज़ल्ट में आ गया आपका फेल्ड अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में आई प्लस वन इट मीन्स यहाँ पर आपका टू आएगा फिर टैब स्पेस है इसकी वजह से स्पेस छूटेगा फिर मार्क्स आपके वन हंड्रेड फोर्टी फोर है देन परसेंटेज आपकी आई है थर्टी सिक्स पॉइंट ज़ीरो और फेल्ड देन उसके बाद फिर से क्या होगा अपडेट होगी अब आई आपका क्या होगा टू होगा तो मार्क्स टू अब परसेंटेज में क्या होगा मार्क्स टू मार्क्स टू कितने आपके हंड्रेड थ्री अपॉन फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड अब आप इसको फोर से डिवाइड कर देंगे फिर से फोर टू ज़ार एट देन टू फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी थ्री देन यहाँ पे ट्वेंटी आ रहा है तो आप खुद से ये जब इसको रन करेंगे अपने आप से तो आप देखेंगे कि 25.75 आएगा तो फिर फेल्ड आ जाएगा जब यहाँ पे इफ़ एल्स देखेंगे तो इफ़ कंडीशन फिर से फिर से फॉल्स होगी क्योंकि परसेंटेज जो है लेस है 40 से तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगी तो आपका फेल्ड हो जाएगा तो इस तरीके से कब तक रन करता रहेगा जब तक यहाँ पर फाइव ना आ जाए अपडेट होते होते यहाँ फाइव जब आ जाएगा तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका कर्सर फॉर लूप के बाहर आ जाएगा उसके बाद ये वाली लाइन ज़रूर प्रिंट होगी दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और फिर ये डैस्ट लाइन तो जब आपके सारे जो भी एलिमेंट्स थे वो प्रिंट हो गए तो उसके बाद आपकी ये डैस्ट लाइन आ गई बिकॉज ऑफ दिस लास्ट लाइन तो इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं एक लास्ट टॉपिक बचा है एरे में आपका दैट इज़ कॉमन कोडिंग एरर्स इन एरे तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे मार्क्स डॉट लेंथ लिखा है तो ऑब्वियसली लास्ट साइज तक ही लेगा जो भी उसका फाइनल साइज़ है वो वैल्यू लेगा बट अगर आपने यहाँ पे एकवल uh, टू लगा दिया लेस देन में तो सही है अगर आपने लेस देन इक्वल्स टू पुट कर दिया मार्क्स डॉट लेंथ इट मीन्स एरे का नेम और फिर आपने लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर ली या फिर यहाँ पे फाइव लिख दिया जो इसका साइज़ है फाइव एलिमेंट्स हैं तो आपने लेस देन इक्वल टू फाइव लिख दिया सो so, अगर आपने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया तो उस केस में आपको एरर देगा जावर डॉट एल ए एन जी डॉट ए रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स फाइव आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ फाइव तो अगर इसकी लेंथ फाइव है तो इट मीन्स ये मार्क्स फाइव अगर एक्सेस करने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मार्क्स फ़ाइव है तो ओबियसली आई आपका फाइव भी ट्री हो जाएगा ना यहाँ पे अगर लेस देन फाइव होता तो सिर्फ फोर तक ट्री होता बट आई प्लस प्लस जब होगा और फाइव वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्क्स फाइव तो फाइव पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है वो आपका जो भी इसकी लेंथ है उससे बाहर चला गया मार्क्स फाइव फिफ्थ तो इंडेक्स ही नहीं है तो इस केस में आपका ये एरर आ जाता है सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन कोडिंग एरर कि हम क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन जो है कभी कभी रॉन्ग पुट कर देते हैं विच शुड बी अवॉइडेड यहाँ पे आपका इक्वल्स टू नहीं लगना चाहिए अगर आपने मार्क्स डॉट लेंथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा लेस देन आएगा क्योंकि वो एक कम होता है इंडेक्स हमेशा सो यू शुड पुट ये लेस देन तो ये कॉमन कोडिंग एरर था आई होप कि आपको एरे समझ में आया होगा कि एरे पे हम कैसे वर्क करते हैं और ये स्लैश टी का यूज़ क्या होता है टू प्रिंट आउट टैब बिटवीन द नंबर्स इन द प्रिंट स्टेटमेंट सो एरे इज़ बहुत सिंपल है एरे हम कब यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल वेरिएबल स्टोर करनी होती है सारी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो सेम टाइप की होनी चाहिए और हम उन्हें इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं बाई राइटिंग लाइक दिस कि मार्क्स टू मार्क्स थ्री ये जो इसके अंदर लिखा है इंडेक्स होता है हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम मार्क्स जीरो लिखेंगे जो भी वेरिएबल है और फिर इंडेक्स ज़ीरो फिर वेरिएबल नेम इंडेक्स वन अगर हमें सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है और इसके सेंटेक्स आपको लर्न करने लाइक कि कैसे डिक्लेयर करते हैं कैसे उसे इनिशलाइज करते हैं इनिशलाइजेशन का ये था और कैसे मेमरी उसको स्पेसिफाई करते हैं कैसे उसका साइज स्पेसिफाई करते हैं ये आपको लर्न करना है और अगर हमें प्रिंट करने हैं सारे एलिमेंट्स तो कैसे करते हैं सो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा एरेज में एरेज बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है बस एरे क्या होता है और उसे कैसे प्रिंट करते हैं ये एक्सप्लेन किया है तो आई होप आप भी इसको रिवाइज करेंगे और जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो